क्या व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो कैसे हो सब? कैसे सब? चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज मैं सोच रहा हूँ बाहर ब्रेकफास्ट करने को मन कर रहा है कि बाहर जाके आलू के पराठे खाने को, तो इसलिए जाते हैं। लेट्स गो। जब भी मतलब यहाँ पे जाजपुर में जब भी आलू के पराठे खाता हूँ तो उन्हीं के दुकान जाता हूँ। बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया साइज़ का होता है, बहुत टेस्टी होता है। पहले खा चुका हूँ। एक पराठा खत्म तो दूसरा पराठा मैं ला चुका हूँ। ये यहाँ का जो लाल चटनी है ये यहाँ का बहुत ही टेस्टी है। कभी भी यहाँ पे मेरे घर के पास डाकूमा चौक के पास ये लाल चटनी जरूर ट्राई करना। तो ये तो अब तो खा ही चुके होंगे, बट ये लाल चटनी इनका जो है बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा नंबर टू पराठा है। जैसे कि मैंने कहा कि लाल चटनी यहाँ का जो ये लाल चटनी है ना बहुत ही टेस्टी है। कभी भी यहाँ पे आ रहे हो तो ये लाल चटनी ज़रूर ट्राई करना। और मुझे तो बढ़िया लग रहा है इसलिए मैं दो दो खा चुका हूँ। चलो खाना डन। एंड यहाँ पे जो पराठा मिलता है वो एक पराठे का 20 रुपये लेते हैं और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है लाल चटनी एंड वो जो क्या बोलते हैं उसको सब्जी, या फिर क्या बोलते हैं उसको जो भी। मैंने दो पराठे खा लिए, पेट एकदम फुल मेरा। बड़े बड़े पराठे होते हैं बाय द वे, मोटे भी होते हैं इसलिए पेट भर गया। दोपहर में बहुत अच्छी नींद हो गई, सो गया था मैं अभी उठा। एंड शाम के बज गए 5। चलो चलते हैं डांस क्लास, वहाँ पे थोड़ा आज क्लास है, पता है सैटरडे ना, तो सैटरडे को क्लास रहता है बच्चों का। सो लेट्स गो। आगे पहुँच गए हम क्लास में। ये भाई खड़े हैं, हाय बोल दो। दोनों बैठ के बात करे, मैं भी उनसे थोड़ी देर बैठ के बात कर लिया। वही चलते हैं क्लास को। 2, 3 and 4 ओके कम ऑन। अभी हम क्लास से आए, हमको भूख लगा था, सर ने तो पूरा अपना दो राजा ख़त्म कर दिया और थोड़ा सा बाकी है। हम दोनों खड़े हैं, हमारा रोल अभी तक बन रहा है, बना नहीं है। सर को वेज रोल खाना था ना, इसलिए उनका उनका पहले बन गया था, इसलिए उनका पहले बना था, पहले खा लिए। हमारा एग है तो इसलिए मेरा बना नहीं है, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर खाते हैं। और क्या सर तो पूरा मज़ा लूट के खा रहे हैं, देखो पूछे भी नहीं एक बार। ये आ गया हम दोनों का रोल, बढ़िया बढ़िया। इसका मैं फीडबैक दूँ तो काफ़ी हद से मतलब काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर का मसाला भी बहुत सही है, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। लास्ट टाइम जो खाया था मैंने इसके सजेशन थे उससे काफ़ी बेटर है, अच्छा टेस्टी है। सर क्या कह रहा है, उनको खड़ा कर दिए, फिर बोले कि कान पकड़ने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उनका एक ही गाना कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए वो कर भी नहीं प्रैक्टिस, बहुत यू नो ठग रहे हैं, इसलिए सर उनको खड़ा कर दिए, बोले कान पकड़ खड़े हो जाओ। क्लास के बाद अभी मैं घर आ गया एंड अभी थोड़ा वर्कआउट करूँगा। एंड इस ब्लॉग में हम कल सुबह मिलेंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलो सिया, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, दिमाग का दही सुबह से हो चुका ऑलरेडी। फ्लिपकार्ट का बिग बिल एन जे स्टार्ट हो गया है, कल रात से ही हो गया था। एंड मेरे को मन करा था कि काश इस बार मैं कुछ ला दूँ, मतलब बहुत तो मन करा कि हाँ एक नया आईफोन ले आऊँ, बट छोड़ो अपना नहीं होगा। और इस बार ना बहुत लाइक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है यार, लाइक तो मन करा है ना लाइक छीन के ले आऊँ, ऐसा ही मन करा है। मतलब होता है ना कि ओ इतना प्राइस होगा और इतना कम में मिल रहा है तो मन करता है, ज़्यादा मन करता है कि हाँ काश वो मेरे पास तो मैं ले आता। एक नया साइकिल पिछले लॉकडाउन में मैं मतलब पापा ने ख़रीदा था, ताकि क्योंकि पिछले लॉकडाउन में गाड़ी वगैरह मतलब अलाउड नहीं था कोई चढ़ा, तो साइकिल लेके आप जा सकते थे, कुछ भी सामान वहाँ लाना हो या फिर कहीं पास में जाना हो तो जा सकते थे। साइकिल खरीदा है मतलब बेकार में खाली में पड़ा हुआ है, किसी को ख़रीदना हो तो बोलना मैं बेच दूंगा ये साइकिल, ठीक है? मजाक था, नहीं बेच रहा हूँ मैं। देखो इसको मतलब नीचे था पार्किंग में, इसको माँ उठा के लाई है, बैल्कनी में जाके रखी है साइकिल। साइकिल पार्किंग से आके बैल्कनी में मतलब आधा स्पेस खा रहा है यहाँ पे, एकदम चकाचक नया है, इसको चलाने में कोई है नहीं। बेचारा साइकिल भी सोच रहा होगा कि किसने ऐसे मतलब कसम खाया मेरे को चलाने को। मैं भी हर रोज़ कसम खाता हूँ कि हाँ कल से उठूँगा साइकिलिंग पे जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा, बट कोई सुबह नहीं होता। एक बुक में पढ़ रहा था ये वाला,
सो ये बुक मैंने कंप्लीट कर दिया कल फाइनली. बुक इज ऑल अबाउट यू नो बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन जीसस, पॉजिटिविटी. इसके ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पील. तो ज़रूर पढ़ना अगर आप बुक्स पढ़ते हो कोई भी, मेरे फैंस जो भी हो, तो पढ़ना, बहुत ही बढ़िया बुक हो, मेरे को तो अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव है. यार गाइस अभी रॉकी को खाना खिलाते हैं, दोपहर के 1 बज गए हैं, दूध भी लगाया था गर्म हो गया, तो अभी उसको तो खाना खिलाते हैं, उसके बाद उसको फिर छत के ऊपर लेके जाना है. हाँ रॉकी कौन खाए भाजी? माँ कैमरा में नहीं आ. माँ ना बहुत कैमरा कॉन्शियस है, उसको वीडियो में आना पसंद नहीं, इसलिए वो आती नहीं ज़्यादा, आती है बट कम आती है. दुनिया में सबसे क्यूट कोई इंसान है ना, तो ये है मेरी माँ, सबसे बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है. ऐसे छोटी बच्ची होती है ना, छोटी छोटी लड़कियाँ वैसी तरह, वैसी एकदम वैसी है मेरी माँ. दोपहर को बहुत अच्छी नींद हुई और मैं उठ के आ गया क्लास. अभी मेरे पास और 2 दिन बाकी है, प्रैक्टिस जोरों से है. जाओ जाओ जी. यहाँ पे निखिल और आयुष खड़े हैं, शायद एकदम, तो अभी वो लोग भी आए हैं, उनका भी क्लास है आज. चलो चलते हैं ऊपर इसको. बारिश होना शुरू हो गया, ऊपर से बहुत जोरों की बारिश, एकदम अंधेरा. अभी एक फैन लगते हुए खराब हो गया था फैन, ठीक है ना, तो अभी ठीक हो गया है, इसलिए उसको लगा रहे वापस से. कोई चीज मिला है कि नहीं भाई? लग गया, बस खाली तार जोड़ना बाकी है. आयुष आयुष मजा ले रहा है बारिश के. सिराज का बिल्लू है ये, बिल्लू ये देखो. मैं था मैं इससे मिलने, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिए दोनों ने, एंड अभी जा रहा हूँ घर. रात हो गया, 8:30 बज गया, अभी जाना है घर. तो कल से ब्लॉग अपलोड करना है, अभी जाके एडिट कर लेते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, जल्दी मिलते हैं अगली ब्लॉग में. वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी मिलते हैं अगली ब्लॉग में, टिल देन तारासिया, टेक केयर, पीस.